गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आप आज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है. जस्ट अ क्विक रिवीजन व्हाट ऑल वी हैव डन इन द प्रीवियस थ्री लेक्चर्स. हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों. अभी तक आपको सबको ये फॉर्मूला याद रह होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू ई कैपिटल ई एम टाउ. This is the first thing, formula you'll remember from this chapter. Second, हमने current के साथ relation देखा था. I is equal to VDE, Vadina, मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए. फिर ओम्स लॉ हमने पढ़ा. ओम्स लॉ को प्रूव करते करते जो हमारा V is equal to IR was this the law which we have studied. इसी के through हम लोगों ने दो चीज़ें देखी थी जिसमें हमारा R is equal to ML अपॉन एन ई स्क्वेयर टाओ ए था. एंड वी हैड अनदर क्वांटिटी रो विच वॉज इक्वल टू एम एन ई स्क्वेयर टाओ, राइट. अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है. तो सबसे पहले हम आर को उठाते हैं. सो फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैड दिस रिलेशन. थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी, ये चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ. किसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ. दैट we know R is equal to क्या है, ML upon N E square tau into A. So here this R is depending on what all factor. आपको इस फॉर्मूला से ही पता लग जाता है कि R जो है डिपेंड कर रहा है, depends on the shape and size of conductor. Shape and size of conductor पे तो वो depend कर ही रहा है, right? And it is also depending on temperature because tau relaxation time के साथ इसका inverse relation है. R is inversely proportional to 1 by tau. Tau is the relaxation time. तो आपको मालूम है conductor के अंदर जब ऐसे ये कंडक्टर होता था, हम कहते थे वो zigzag मोशन में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं. जो जाके ये इलेक्ट्रॉन है ये जाके हिट करता था एक कर्नल के साथ, फिर इसकी सारी जो वेलोसिटी उसने गेन की होती थी ज़ीरो हो जाती थी. फिर जाके वो थोड़ी देर रेस्ट के बाद दूसरे कर्नल के को जाके हिट करता था. कर्नल बोल दीजिए या आयंस, तो मटेरियल जो पॉजिटिव आयंस हैं उनसे. तो हर मटेरियल के अपने अरेंजमेंट्स होते हैं एटम्स के, तो उसी हिसाब से वो उनकी पोजीशंस होती हैं. तो ये उससे जाके टकरा था. यहाँ पे जो टाइम लगता था उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे दो सक्सेसिव कोलिशंस के बीच में. एंड द एवरेज इज द कंप्लीट टोटल जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आइडिया देते हुए आपको बताया गया था. सो हियर रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो हियर यू सी दैट दिस इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. सो डिपेंडेंट ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर. शेप एंड साइज इसलिए बोला है क्योंकि एल एंड ए के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है. एंड दिस डिपेंड्स ऑन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो क्या होगा, कम, जल्दी जल्दी जाके टकराएंगे. तो अगर टाओ कम होगा तो आर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, राइट. नाउ लेट सी व्हाट इज रेजिस्टेंस, है क्या चीज़. सो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हुए चलेंगे हम. इसको डिटेल में पूरा पढ़ेंगे कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये क्या है. सो रेजिस्टेंस, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रेजिस्टेंस. ये तो हमने नाम दिया था ना कि कांस्टेंट वाज नेम्ड एज अ रेजिस्टेंस. सो दिस इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू the conductor is called a resistance. And from Ohm's law आप ये कह सकते हैं कि R is equal to V upon I. So you can say it's a ratio of potential difference across
the ends of conductor to the current flowing through it. ठीक है बच्चे, अब ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस आ जाते हैं इसकी इसकी SI यूनिट जो है, टू रिमेंबर SI यूनिट इट्स ओम. ओम जो है इसकी SI यूनिट है, राइट प्लूरल फॉर्म. एंड सिंबल जो इसका है इट्स लाइक दिस, ओम याद रहेगा ओम. And 1 ohm is equal to what? 1 ohm is equal to volt, potential difference by current. So it is 1 volt upon 1 ampere. Hai na? So if you want to define this, the resistance is said to be 1 ohm. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसकी SI यूनिट को डिफाइन करिए, तो वेरी सिंपल इस फॉर्मूला से आ जाए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ohm इफ करंट ऑफ 1 ampere flow through it when potential difference of 1 volt is applied across it. ठीक है बच्चे, ये हो गई कैसे सिंपल सा. व्हाट इज रेजिस्टेंस डिफाइन इट्स एस आई यूनिट. जरा सा उठा के 2 नंबर में क्वेश्चन दे देते हैं. इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला पे देखते हैं कि क्या है. डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों, आपने हर चैप्टर के शुरू में मैंने पहले ही बताया हुआ है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे आप उसका क्या रिलेशन है वो लिखेंगे, एंड देन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, यूनिट क्या है, ये सारी डिटेल आपने जैसे ही चैप्टर शुरू होता है उसे या रजिस्टर के बिल्कुल फ्रंट में ही 2 पेज खाली जो रखे हुए हैं वहाँ पर आपने ये काम करना है. सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है. वॉट इज पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ये हमारी डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस की. एंड करंट कहा गया आई. सो दिस इज वर्क अपॉन चार्ज. अगर आप दे रहे हैं दिस कैन बी रिटन एज, करंट को क्या लिख सकते हैं, ये वर्क अपॉन चार्ज वैसे ही आ जाएगा नीचे. और करंट को क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू करंट कैन बी रिटन एज, या करंट की तो चलो एम्पियर यूनिट आ जाएगी, तो चार्ज को हमें लिख लेना चाहिए था. दिस इज इन टू एम वर्क, दिस इज करंट को ऐसे ही लिखते हैं करंट. नेक्स्ट स्टेप में एल वॉट एल डू इज R इज इक्वल टू वर्क, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इंटू टाइम, है ना. करंट इज वॉट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. सो क्यू इज इक्वल टू आई टी. टी का हमें पता है टाइम, इसका पता हमें एम्पियर, और इंटू करंट तो है ही. अब बस आप डायमेंशनल फॉर्मूला डालिए. वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू. अब तक तो आपको याद हो गया होगा, ये करंट का हो गया एम्पियर, 2 बार करंट है तो एम्पियर स्क्वेयर इंटू टाइम टी. तो कितना हो जाएगा, ये टी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा. हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू माइनस वन, ए भी ऊपर जाएगा तो -2. सो तो आपका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया, आर का डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ए माइनस टू.
ये बच्चे आपको याद रहने, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूलाज याद नहीं रहते हैं, ठीक है ना। आपको मेन क्या चीज़ याद रखनी पड़ेगी डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए, ये रिलेशन आपको, ये वी बाई आई पता है, उसका वी को क्या लिख सकते हैं, वर्क अपॉन चार्ज, और वहाँ से आप ये निकालेंगे, ठीक है। नाउ कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन कंडक्टर। So what happens when the free electron flow from one end to the other end? What happens? They collide with the, क्या बताया था, ये ऐसे इतना आसानी से नहीं होता है, इसमें भी आपने, आपको मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ था, जैसे ये है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस तरफ को ड्रिफ्ट होते हैं विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज टू सी। तो जब जाते तो बड़े मजे से नहीं जा सकते हैं ये, इनको बीच में कौन मिलते हैं, कर्नल्स मिलते हैं, उनसे ये टकराते टकरूते जाते हैं। सो वेन दे कोलाइड विद ऑल ऑफ देम, और ये कोलिजन जो है ऑपोजिशन या ऑफर करती है फॉर द फ्लो ऑफ द करंट, एंड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज डेवलप्ड इन, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, बिकॉज डिफरेंट मटेरियल में जो है डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं आयंस के। सो कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर इज दैट व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, व्हेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर, दे एक्सपीरियंस कोलिजन विद द आयंस, है ना, दैट इज कर्नल पॉजिटिव आयंस इन द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि उसको अपोज करता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है, दिस इंप्लाइज दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन मटीरियल ऑफ द कंडक्टर as different material has different arrangements of ions, अलग अलग तरह के उनके आयंस होंगे, this is what we have। दूसरी चीज़ हमने इसी expression से निकाली थी, that was resistivity, है ना, एक चीज़ हमने निकाली थी, that was resistivity, रेजिस्टिविटी, ये भी मैं आपको बता चुकी थी, थोड़ा सा आइडिया था, और रो पिछले लेक्चर में हमने देखा रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला के लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, एकदम से जब भी रेजिस्टिविटी का तो आया तो आपके दिमाग में एकदम से आना था, मैंने तो नीट का एग्जाम देना है, रोना नहीं है। सो एम इज रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वेयर टाउ होता है जो रेजिस्टिविटी है यहाँ पर, ये इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन दी, इसमें जो बात याद रखनी है दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ, ये डिपेंड कर रही थी इसकी शेप एंड साइज, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, लेकिन ये नंबर डेंसिटी पर डिपेंड कर रही है ना, तो नंबर डेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे जरूर डिपेंड करेगी, इट डिपेंड्स, डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज, बट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल कहाँ से पता लग रहा है हमें, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टेम्परेचर पे कैसे पता लग रहा है, Q
क्योंकि इस फॉर्मूला में रो इज एज रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम. तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम में फर्क, कोलिजन ज्यादा जल्दी 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 होएगा. तो यहाँ रेजिस्ट, तो टेम्परेचर के साथ भी इसका वेरिएशन होता है. नाउ रेजिस्टिविटी को, ये जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, इट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बोल दीजिए, या इसको आप कई बार स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही बात है. ठीक है, नंबर वन एंड द सेम थिंग इट इज. सो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, यहीं से अगर आप ये देखते हैं कि इट इज इंडिपेंडेंट, तो हम पहले जानते हैं जो पहला वाला फॉर्मूला था, दैट आर जो रेजिस्टेंस है, एज आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है. सो आर इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट रो एल अपॉन ए आया था ये रिलेशन. ठीक है, ये तो जस्ट जनरल, लेकिन हम पहले पढ़ चुके ये ओम, हम जब ओम्स लॉ निकाला था तो हम ये रिलेशंस निकाल चुके थे, है ना, ये सारी चीजें. कॉन्स्टेंट रो वी बाई आई का रेशो कहाँ से चले थे, करंट की रिलेशन विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, ये चीजें हमारे पास पहले थी. तो अब ऐसे रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, तो ये एक रिलेशन आया था. अगर आप इसको यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए एल को हम वन ले लेते, यूनिट लेंथ है, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो रो विल बी इक्वल टू वॉट, इट विल बिकम इक्वल टू आर. तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टिविटी जो है इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी. किसके रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी, वो सब्सटेंस जिसकी यूनिट वॉल्यूम कितनी है, जिसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है. सो ऑफ अ मटीरियल क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटीरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फॉर्म ऑफ क्यूबिक, फॉर्म ऑफ क्यूब, यूनिट क्यूब के कोई मटीरियल है, क्योंकि ये मटीरियल के ऊपर ही अलग मटीरियल की अलग वैल्यू होती है. तो यहाँ से आप इफ ये ऐसे लिया है, रो इज इक्वल टू आर, देयरफॉर रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस, ऐसा मटीरियल जिसकी एरिया कितना है यूनिट और लेंथ कितना है यूनिट. तो क्या हो गया, क्यूब के फॉर्म में हम कर सकते हैं. इट इज अ रेजिस्टिविटी इज ऑफ अ मटीरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन क्यूबिक शेप ऑफ सेम मटीरियल. और कैसा वाला है ये, यूनिट क्यूबिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन क्यूबिक शेप ऑफ सेम मटीरियल एंड यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन का है वो, उसमें से जो है उसको हम रेजिस्टिविटी जो है वो कहते हैं. SI यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, SI यूनिट विल बी इक्वल टू, अब इसमें क्या देखोगे आप, रो को अकेला छोड़ दीजिए, और रो को अगर आप इधर अकेला छोड़ते हैं तो ये हो जाता है आर ए अपॉन एल. और आपको मालूम है रेजिस्टेंस किस में होता है, ओम्स, दिस इज ओम्स, मीटर स्क्वेयर अपॉन मीटर, एक कट जाएगा. सो रो की जो यूनिट है दैट इज ओम मीटर, दिस इज द यूनिट. ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला की बात भी कर लेते हैं. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ भी एग्जाम में आ जाता है बच्चे. सो रो इज इक्वल टू क्या है हमारा, रो इज इक्वल टू आर. अब देखो, अब जबकि हमने पढ़ा ये फॉर्मूला था, अब इनको लेकर नहीं चलेंगे इसकी यूनिट निकालने के लिए. आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लेंथ और एरिया के साथ कैसा है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वो इस पर ज़्यादा आएंगे.
कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। ये तो हमें यहाँ पे इस वाले फॉर्मूला से ही पता लग गया था कि रेजिस्टेंस जो है, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था यहीं पे हमने लिख लिया था कि आर जो है डिपेंड शेप पे भी डिपेंड करेगा, नहीं एल पे डिपेंड करेगा, ये पे नहीं, वहीं से ये आइडिया आ गया था। सो दिस इसकी डायमेंशन क्या हो जाए, इसकी डायमेंशन निकालनी है तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे आर ए अपॉन एल। आर की अभी हम निकाल चुके हैं, अगर नहीं उस वक्त एग्जाम में थोड़ी ना आपको याद रहेगी, तो आर इज इक्वल टू व्हाट, वी अपॉन आई इंटू ए अपॉन एल। दिस इज इक्वल टू वी क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज इंटू करंट इंटू ए इंटू एल। वर्क को क्या लिख सकते हैं, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू, ठीक है। चार्ज को क्या लिख सकते हैं, ए टी। इस करंट को क्या लिखेंगे, एम्पियर। ये एरिया को क्या लिखेंगे, एल स्क्वेयर। इसको क्या लिखेंगे, एल। तो कितना हो जाएगा ये, एम एल रेज टू द पावर, यहाँ से एक इसको काट देते हैं, एक एल को, तो कितना हो गया, एल क्यूब टी रेज टू द पावर माइनस टू अपॉन ए स्क्वेयर टी। ये भी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस टू। सिर्फ देखो अगर आर के साथ मीटर ये एक एक्स्ट्रा आया हुआ है, तो इसमें पहले हमारा एल स्क्वेयर आ रहा था, यहाँ पर क्या हो गया, एल क्यूब हो गया, बाकी पूरा सेम ही है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो रट्टा नहीं मारना है आपको, ये ध्यान रखना है कि क्या कौन से रिलेशन से हमने इनकी वैल्यूज जो है वो निकालनी है। अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, कि इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं कि जब आप किसी भी वायर है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, कभी इसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो कैसे उसकी जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है उसमें क्या वेरिएशंस आते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, इफ़ द वायर इज स्ट्रेच्ड, आपको दिया हुआ है, इफ़ द वायर ऑफ इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स थ्री टाइम्स, देन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यू वायर। तीन टाइम्स इसकी वॉल्यूम जो, इसकी जो लेंथ है वो बढ़ गई, यानी अगर ओरिजिनल लेंथ जो है, इनिशियल लेंथ इज एल एंड फाइनल लेंथ इज थ्री टाइम्स, थ्री एल हो गई है ना, इसको स्ट्रेच कर दिया गया तो तीन गुना बढ़ गई है। सो आपको बोला कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस, यानी आपसे आर फाइनल पूछा हुआ है कि ये कितना है। अब बाकी तो कुछ नहीं दिया, ये आपकी वायर थी, ठीक है, दिस इज़ द वायर, ये एल लेंथ की थी, इसको खींच के बिल्कुल तीन गुना कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको खींचोगे और तीन गुना इसकी लंबाई बढ़ा दोगे तो ये पतली भी तो हो जाएगी ना, तो यहाँ पर क्या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम रहेगी, वॉल्यूम थोड़ी बदली है, सो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, दैट इज वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। तो पहले वॉल्यूम कितनी थी इसकी, दैट वाज इक्वल टू इसका एरिया ए, क्योंकि पहले एरिया ए था, अब आपको नहीं मालूम आपका एरिया क्या हो गया, ए डैश हो गया, दैट यू डोंट नो, एल के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। सो पहले कितनी वॉल्यूम थी, एल ए इंटू एल, अब वॉल्यूम क्या हो गई फाइनल, हमें ए डैश है, वी डोंट नो व्हाट इट इज, एंड एल डैश है, एल डैश को हमें ये पता है कि एल डैश इज इक्वल टू थ्री टाइम्स एल, तो ये कितना हो जाएगा, ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू थ्री एल, है ना। आप देखो L से L कट जाएगा, सो A डैश की वैल्यू कितनी हो गई, A अपॉन थ्री, यानी अगर ये तीन गुना लंबा हो जाता है तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो वन थर्ड हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखो इधर पे आप क्या करोगे, R इनिशियल, R इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट, रो तो इनकी इसकी भी रेजिस्टिविटी है, वही मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी ने चेंज नहीं होना है, सो इट इज़ रो एल अपॉन ए है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस। आर एफ क्या होगा, आर एफ विल बी रो एल डैश अपॉन ए डैश, सो व्हाट इज एल डैश, एल डैश आपको बोला हुआ है थ्री टाइम्स एल, तो आप यहाँ पे चुपचाप थ्री एल डाल दोगे, डिवाइडेड बाय ए डैश कितना है, ए अपॉन थ्री, सो दिस थ्री विल गो अप, तो थ्री थ्री इज़ नाइन, रो एल अपॉन ए, वॉट इज रो एल अपॉन ए, दैट इज दिस, सो दिस आर फाइनल इज इक्वल टू नाइन टाइम्स
आर इनिशियल। कई बार ये इसकी वैल्यू दे देते हैं, जैसे इन्होंने बोला न्यू रेजिस्टेंस, ये दे देंगे ओरिजिनली मान लीजिए 10 ohms की वो है, 10 ohm की वायर है, उसको 3 गुना लंबा करके खींच के दो, नहीं क्या होगी, तो अब क्योंकि 3 गुना की है तो इट विल बी 9 times दिस। ठीक है, ये लेंथ क्या हुई है, जब इसकी लेंथ, तो आपके दिमाग में एकदम से वैसे ही आइडिया रहना चाहिए, अगर लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया 3 गुना कम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, डबल दो डबल लंबा कर दिया तो उसकी a/2 हो जाएगी, ये एक कॉन्सेप्ट है। नाउ सेम, अब ये तो चलो ये हो गया, आप दूसरी बार क्या कर रहे हैं, इफ द वायर इज कंप्रेस टू 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, ये इसकी पहले आपकी तार थी, ठीक है, इतनी लंबी थी, ये एल लंबाई की थी, ए इसका क्रॉस सेक्शनल था, आप क्या कर दिया, इसको उठा के 1/3 कर दिया, ये l/3 कर दी। ठीक है, एल डैश इज इक्वल टू, और ए डैश इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब हमें पता नहीं कि क्या, अगेन बात तो वही है, चाहे आप उसको लंबा करिए चाहे आप उसको कंप्रेस करिए, तो क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा इसी तरह के होंगे, कंप्रेशन होगा या इट इज स्ट्रेच। ठीक है, ये दोनों तरह के क्वेश्चंस में देखो डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है, तो वॉल्यूम तो सेम ही है, सो हियर आल्सो विल राइट दैट वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल, इनिशियल वॉल्यूम क्या थी ए इंटू एल, फाइनल वॉल्यूम क्या थी ए डैश इंटू एल डैश, सो ए डैश हमें मालूम नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट एल डैश हमें मालूम है, एल बाई थ्री है, ए इंटू एल, एल से एल कट जाएगा, तो एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, इट विल बिकम 3 times a, ऐसे जब खींच रहे थे तो एरिया पतला हो गया था, यहाँ एरिया ज़्यादा हो गया, दिस इज वॉट वी हैव, एरिया का आइडिया हमें लग गया। अब फिर सिंपल, आर इनिशियल कितना होगा, दैट विल बी रो एल अपॉन ए, आर फाइनल आपसे पूछा है न्यू रेजिस्टेंस, सो दैट विल बी इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, सो यहाँ पर आप डाल दीजिए जो वैल्यूज हैं, रो ने तो चेंज नहीं होना है, एल डैश इज इक्वल टू एल अपॉन 3 और ए डैश इज इक्वल टू 3a, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये 3 नीचे आ जाएगा, 1/9 रो एल अपॉन ए, सो दिस आर फाइनल विल बी इक्वल टू 1/9 ऑफ आर इनिशियल। इसको आप बड़े ध्यान से देखो, जब आप उसको लंबा कर देते हो तो वो भी 9 गुना बढ़ गया, जब उसको कंप्रेस कर देते हो तो 3 गुना किया तो उसका स्क्वेयर है ना, इधर 3 का स्क्वेयर ही है, ये भी 1/3 का स्क्वेयर है, तो डिपेंडिंग कि यहाँ पे कंप्रेशन है तो वो उस तरह से है। सो इफ एन, अगर मान लीजिए यहाँ नोट कर लेंगे आप बच्चे, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरा कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इफ एन जो है नंबर of times length is increased or decreased, ये क्या हो जाएगी, यहां पे stretch और ये compressed है ना, अगर ये n है number of times वो बता रहा है, then जो फाइनल रेजिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वेयर इंटू आर। आप देख लीजिए, जब आपने ये वाला केस था, यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या था, 3 times, यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्या है, 1/3, तो यहाँ देखिए आर फाइनल इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर इंटू इनिशियल, सो इट इज 9 ri आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाना था, आर फाइनल इज इक्वल टू 1/3 का स्क्वेयर ri, सो इट इज 1/9 ri। तो ये आपने बच्चे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जब, अगर तो आपको 2 marks का क्वेश्चन है तब तो आपको ये स्टेप्स करके दिखाने पड़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया है वहाँ टिक करना है तो इतना टाइम आप नहीं वेस्ट करोगे, आपको ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, आर फाइनल इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, जिसमें वायर ऑफ द रेजिस्टेंस की जो है, आपको वायर है ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ohms एंड लेंथ दी है एल इज स्ट्रेच्ड टू रिड्यूस इट्स डायमीटर। अब यहाँ पर डायमीटर के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, अब इसने यहाँ पे डायमीटर कई बार मतलब एरिया के बारे में भी बात कर रहा है जो भी,
तो अब यहाँ आप कैसे निकालेंगे इसको, आर फाइनल और आर इनिशियल निकालना, व्हाट इज़ द न्यू रेजिस्टेंस। सो कॉन्सेप्ट जो है आपका वो तो वही रहने वाला है, वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगी, पर ये नहीं बताया कि कितने टाइम्स लेंथ इंक्रीज़ की है। जैसे पिछले केसेस में बता दें ना, तीन गुना लंबा कर दिया, तीन, या उसको कंप्रेस किया तो उसको वन थर्ड कर दिया, तो वहाँ स्पेसिफाई किया था। यहाँ कुछ नहीं बताया उन्होंने, बोला कि वो उसको बस स्ट्रेच किया, हमें नहीं मालूम कितना स्ट्रेच किया है, एंड रिड्यूस द डायमीटर टू हाफ। डायमीटर के बारे में बात, एरिया के बारे में बात नहीं कर रहे, डायमीटर के बारे में बात कर रहे, तो इसका मतलब एरिया को हमें डायमीटर के टर्म्स में भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ डायमीटर अगर आपको दिया हुआ है, अगेन व्हाट इज दिस क्वेश्चन यू विल डू इज दैट वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। इनिशियल वॉल्यूम कितनी हो जाएगी इसकी, दैट इज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एल इसकी लेंथ थी, ए डैश इसकी नई वाली एरिया, एल डैश इसकी नई लेंथ, लेंथ के बारे में कुछ नहीं दे रहा है। आर इनिशियल दे रहा है वो, आर इनिशियल इज इक्वल टू 1000 ओम्स की वैल्यू दे दी, बस इतना सा कर रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया हम जब भी लिखते हैं तो वी ऑलवेज राइट द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो रेडियस है। अब यहाँ पर डायमीटर की बात कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमीटर बाय 2 का होल स्क्वायर, सो इट इज विल बी कॉल्ड पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। सो व्हाट इट इज, एरिया के बारे में नहीं बात कर रहा है डायमीटर की, इसलिए मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल, और डायमीटर कौन सा है इसका, इनिशियल, इनिशियल डायमीटर की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, नया एरिया, नया एरिया हमें नहीं मालूम, तो पाई डी फाइनल स्क्वेयर अपॉन 4 इंटू एल डैश, सो एल डैश, ठीक है। सो अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, अब यहाँ पे एल एल डैश भी नहीं काट सकते, हमें इसके बीच में भी रिलेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें ये पता लग गया यहाँ पर कि जो एल डैश है, नई वाली जो लेंथ है, दैट इज इक्वल टू डी फाइनल, सॉरी डी इनिशियल, है ना, क्योंकि एल डैश को अगर अकेला छोड़ेंगे तो ये फाइनल उधर चला जाएगा, डी इनिशियल बाय डी फाइनल का होल स्क्वायर इनटू एल है। ये हमारे दिमाग में आ गया कि डायमीटर इनिशियल, डायमीटर फाइनल जो है इसका, और डायमीटर के बारे में उसने क्या कहा, डायमीटर के बारे में उसने कहा एल डैश दैट इट इज इक्वल टू डी, अगर इनिशियल डायमीटर डी है, फाइनल डायमीटर इज हाफ, इट विल बी डी बाई 2 इंटू एल, डी से डी कट गया, सो एल डैश इज इक्वल टू 2L, ये आपका आ गया, ये आपको एल डैश के बारे में पता लग गया कि इतनी वैल्यू जो है इसकी होगी। नाउ जैसे पहले कर रहे थे, इनिशियल वॉल्यूम जो होती थी, रेजिस्टेंस होती थी, आर आई यूज टू वॉट, आर वाई वॉज एल, रो एल अपॉन ए होता था। आर फाइनल क्या होगा, आर फाइनल विल बी इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश लेंगे, है ना। सो अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, अब इसमें भी आप एरिया अकेला तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि इन टर्म्स ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, तो इन टर्म ऑफ डायमीटर लिखना है, तो ये होगा रो एल, इसकी जगह क्या जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, और वो भी क्या, इनिशियल डायमीटर जो है, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 4 एल डी इनिशियल अपॉन पाई, देखो बेटा यहाँ नहीं था, 4 एल ऊपर हो गया, पाई डी इनिशियल का स्क्वायर, है ना, दिस इज व्हाट वी हैव। आर फाइनल भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो आर फाइनल विल बी इक्वल टू व्हाट, रो है, एल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2L, सो आई विल राइट इट एज 2L, एरिया, ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए डैश विल बी इक्वल टू पाई डी फाइनल का स्क्वायर अपॉन 4, है ना, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 4 ऊपर चला जाएगा, सो कितना हो जाएगा ये, और इसका भी क्या स्क्वायर, डी एल स्क्वायर बाई 4 था, डी स्क्वायर बाई 4, तो दिस इज इक्वल टू रो 4 टू ज 8,
एट एल हो गया है ना, अपॉन पाई डी एफ, फाइनल कितना बोला था इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है हाफ, सो इट इज डी इनिशियल का स्क्वायर अपॉन टू था, तो टू का क्या हो जाएगा फोर, समझ में आ रहा है। डी फाई जो है डी फाइन फाइनल था, दैट वॉज डी इनिशियल का आधा, इसीलिए डी फाइनल का स्क्वायर होने से डी इनिशियल का स्क्वायर बाई फोर, ये फोर भी ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू वॉट इट इज योर, कहीं देखो कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, टू एल, इट इज एल डैश की जगह पे आपका टू एल आया, कोई बात नहीं। देन एल को आप अलग कर दीजिए, रो को भी आप अलग करिए, अच्छा यहाँ देखिए मैडम ने रो लिखा ही नहीं, रो है ना, फोर एल रो था, दिस इज आपका रो इज देयर, एल इज देयर, एक फोर भी ऊपर चला जाएगा, देन यू हैव पाई डी आई स्क्वेर इन टू ये एट, आप देखो ये कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू वॉट डी स्क्वेर अपॉन देर इज सम मिस्टेक हियर, जस्ट होल्ड ऑन होल्ड ऑन, वॉट रॉन्ग वी आर डूइंग, रो एल डैश अपॉन ए डैश है, एल डैश की जगह आपने क्या डाला बच्चे टू एल, फिर एरिया की बारी आई, दैट इज पाई डी फाइनल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर, फिर डी फाइनल बाई फोर है, ये फोर आपने ऊपर को भेज दिया तो उसका हो गया एट, लेकिन डी फाइनल स्क्वेयर की जगह फिर ये फोर, तो यानी आप आपका यहाँ तो फोर रो एल अपॉन पाई डी आई स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एट टाइम्स, ये कितना हो रहा है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, दिस विल बी योर आर इनिशियल, दिस इज वॉट वी हैव पाई डी आई स्क्वेयर फोर रो एल, सो दिस इज इक्वल टू एट टाइम्स आर आई, देर इज समथिंग रॉन्ग इन द क्वेश्चन, इट शुड नॉट कम लाइक दिस, चलिए विल टेक दिस न्यूमेरिकल इन द नेक्स्ट लेक्चर, नो नो लेट मी चेक वॉट्स रॉन्ग गोइंग ऑन, एल डैश इज इक्वल टू टू एल हमने निकाला, ओ हो हो हो, वॉट अ मिस्टेक आई हैव मेड, दिस वॉज स्क्वेर, सो दिस इज फोर एल, दिस इज फोर एल, दिस विल बी सिक्सटीन, राइट, दिस इज सिक्सटीन, सिक्सटीन वन लिटल मिस्टेक, सो दिस इज सिक्सटीन, है ना, एल डैश इज इक्वल टू, दिस वॉज होल स्क्वेयर, सो डी बाई टू विल बी इक्वल टू, डी से डी कट गया तो वन बाई टू का फोर, वन बाई फोर फोर ऊपर जाना था ना, दिस वन सिली मिस्टेक, दिस इज फोर एल, इज इट क्लियर, दिस इज वॉट वी हैव नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस लेक्चर, इट इज आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी आपने निकालनी है बच्चों। अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी, हम लोग जो फॉर्मूलाज हैं इसमें हम v इज इक्वल टू आई आर जब हमने पढ़ा था उसके बाद हमने इसका वैक्टर फॉर्म, दिस वॉज अ स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जब वैक्टर फॉर्म में पढ़ा था तो हमने कहा था इसकी जगह ई वैक्टर लेकर आए, इसकी जगह जे वैक्टर लेके आए, इसकी जगह रो लेके आए, तो हमारा एक फॉर्मूला बना ई इज इक्वल टू जे रो, और इफ यू राइट दिस दिस कैन बी रिटन एज जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो, और यू कैन राइट इट एज वन अपॉन रो इज सिग्मा ई, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम बोल देते थे कि दिस इज अ वैक्टर फॉर्म। अब यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, कंडक्टिविटी दी हुई है, सिग्मा इज गिवन एज 5.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 7 दिया है, लेंथ आपको दी हुई है 1 मीटर, आपको पोटेंशियल भी दिया हुआ है भगवान 200 वोल्ट, आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दी हुई है, एन इज इक्वल टू 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब की जो वॉल्यूम उसमें दिया, आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी, हमारे दिमाग में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, सो इमीडिएटली जो आपका फॉर्मूला दिमाग में आएगा
हमने तो सिर्फ यही पढ़ा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है करंट के साथ रिलेटेड, क्योंकि करंट डेंसिटी भी चाहिए, तो एक ही रिलेशन था हमारे पास, आई इज इक्वल टू वडीना, है ना, दिस वॉज द रिलेशन. सो दिस कैन बी रिटन एज वॉट, वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन ए एन. वॉट इज आई अपॉन ए? दैट इज जे अपॉन ई एन. वॉट इज जे? अभी बताया मैंने, सिग्मा ई, सिग्मा ई अपॉन ई एन. यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं दिया है बट लेंथ दी है. दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा ई, ई की जगह वी, है ना, हम लिख सकते हैं वी अपॉन ई एन एल. ये फॉर्मूला बना. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये वाला हो गया. हम ये यूज़ करेंगे क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि आप रिलेशन है तो आपने ये पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन पढ़ा हुआ है करंट वेलोसिटी का, करंट का ये रिलेशन, हमने इधर से उठा के ये रिलेशन पे ले आए. तो वी डी इज इक्वल टू, हम यहाँ ये फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा वी अपॉन ई एन एल. तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है. तो जो बेसिक इस में से चैप्टर में से जो मैंने आपको मेन फॉर्मूलाज बताए वो आप लिखेंगे. ये चलो ये वैल्यू डाल देते हैं पहले, आपका इधर आ जाएगा. कोई कन्वर्जन तो इसमें है नहीं, सब आई एस सिस्टम में ही दिए हुए हैं. वी 200 वोल्ट्स का दिया हुआ है, ये जो चार्ज है दैट इज़ ई की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1.6 × 10⁻¹⁹ एन की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 8.5 × 10⁻²⁸. और लेंथ कितनी दी हुई है, 1 मीटर्स दी हुई है. तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है. और इसका आंसर जो है आपका आना चाहिए 0.86 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. ये कैलकुलेट कटिंग वर्क आप मैथमेटिकल आप खुद करेंगे. और फिर क्लोज करने से पहले एक बार फिर मैं बता देती हूँ, सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, वी डी इज इक्वल टू ई ई अपॉन एम इन टू टाओ. दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला विच विल रिमेंबर. सेकेंड, आई इज इक्वल टू वडीना, याद रहेगा. थर्ड इज योर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए क्या बोला था, मिली मुझसे नीता. और मैं रोना नहीं है, मैंने मैंने रोना नहीं है, एग्जाम देना है कौन सा, नीट का. और देन यू हैव फिफ्थ वन वॉज वी इज इक्वल टू आई आर, स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में करने के लिए वी का वेक्टर फॉर्म में ई वेक्टर लाए थे, आई की जगह जे वेक्टर लाए थे, इसकी जगह रो. सो ई इज इक्वल टू जे रो. और दिस कैन बी रिटन एज जे, दिस विल इम्प्लाई जे इज इक्वल टू ई अपॉन रो, 1/रो होता है कंडक्टिविटी. सो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. ये आपने वैल्यूज याद रखनी है. और यहीं से वी डी की वैल्यू भी निकाली है, यानी इधर से ये सिक्स्थ वन वॉज दिस, ये रिलेशन तो ये कहाँ से आया, इसी से आया, इसीलिए इसी का पार्ट सब पार्ट ले ले रहे हैं. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये रिलेशन भी हमने निकाला है, सिग्मा ई बाई एन एल. सो दिस द लेक्चर इज ओवर. इफ यू हैव एनी डाउट्स, आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे, जो न्यूमेरिकल्स हैं ऐसे मिलते जुलते न्यूमेरिकल्स अब अपने आप करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.